फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल दो पल विद कोमल। और आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज है बर्थडे स्पेशल व्लॉग। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज है उत्कर्ष का बर्थडे। और उत्कर्ष कौन, मैं मिलूंगी आपसे। उत्कर्ष है मेरी दीदी का बेटा। ओके, काव्यन का भी बर्थडे है तो मैं मिलाऊंगी आपको उत्कर्ष से, और हम बहुत इंजॉय करेंगे। आज बहुत फन होगा और आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। आप बताइएगा जरूर हमारे छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगता है। चलो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और करते हैं डिनर की तैयारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने उसमें तेल भी डाल दिया है। यहाँ पर मैं अभी एक चम्मच भर के जीरा और उसके बाद एक बड़ी इलायची और दो से तीन लौंग डाल दूंगी तेल में। और साथ ही में मैं दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया है और वो भी तेल में डाल चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और बहुत देर तक भूनने दूँगी, कम से कम 2-3 मिनट के लिए, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और आगे आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाने लग रही थी कि मैंने छोले उबाल के रख दिए हैं। और इतनी देर में देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। आगे मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और उसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी, ताकि तेल में अच्छे से पेस्ट अपना टेस्ट छोड़ दे। और आगे आपने देखा जो मैंने बादशाह का छोले मसाला मंगा लिया था, वो बिल्कुल छोटे से पैकेट मिले थे मुझे, तो ये 10 रुपये का ही पैकेट था, तो मैंने 2 पैकेट मैंने इसमें डाले हैं मसाले के। और साथ ही में मैंने मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। और इसके अलावा मैं कोई और मसाले नहीं ऐड करूँगी अपनी सब्जी में। मैं जैसे कि होता है ना धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला, तो मैं ये सब नहीं डालूँगी। अब आप देखेंगे कि सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने ताज़ा देसी धनिया डाल दिया है। और यहाँ पर अच्छे से मेरा मसाला भून चुका है, तो आगे मैंने 4 बड़े टमाटर लिए थे और उसका पेस्ट करके सब्जी के अंदर मैंने मसालों में मिक्स कर दिया है। अब ये टमाटर भी अच्छे से भुनेंगे तब तक के, जब तक कि टमाटर अपना तेल ना छोड़ दे साइड में। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध रखा हुआ है गैस पर। ये 4 लीटर दूध है, ये काफ़ी देर से उबल रहा है, आज बासुंदी बनेगी इसकी। और यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये भी अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूंगी इसे गर्म, वो उबलते रहेगा धीरे धीरे। और आगे आप देखेंगे कि मैंने अपने मसालों को भी अच्छे से भून लिया है और बीच बीच में हिलाती रहूँगी ताकि वो नीचे से जले ना। एक तरफ मैं अपनी बासुंदी भी चेक करती रहूँगी और दूसरी तरफ मैं अपने मसाले भी देखती रहूँगी। आप देख सकते हैं मेरे मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे छोले डाल दिए हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने अभी तक इसमें एक चीज़ नहीं डाली है? मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छोले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि वो अच्छे से मसालों में लगे लिपटे से हो जाए। और आगे आप देखेंगे जो मैंने चीज़ नहीं डाली थी अब मैं आगे डालूँगी, और वो है किंग ऑफ द सब्जी, मतलब आपका नमक, जो मैंने अभी तक नहीं डाला था और इसके बाद मैंने अपने मम्मी से ही डलवाया है। और मम्मी हमेशा हाथ से ही डालती है, पता है आपको, मम्मी कभी भी स्पून यूज़ नहीं करती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने छोले को, और यहाँ पर मैंने 2 ग्लास भर के मैंने पानी डाल दिया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था पानी, लेकिन मैंने 2 ग्लास पानी पूरा यूज़ किया है। और अभी अच्छे से मिक्स करके इसे मैं ढक के अच्छे से पकने दूंगी, 2-4 बार अच्छे से वो बॉईल आ जाएगा तब तक। और साथ ही साथ मैं अपनी बासुंदी भी चेक करती रहूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से पकने दिया है और अब ढक्कन हटा दिया है। और उसके बाद मैं हरे धनिए से गार्निश कर लूँगी, क्योंकि मेरे छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने गैस पर छोटू सा पतीला चढ़ा दिया है, उसमें देसी घी डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने जीरा लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। ये बन रहा है मेरा तड़का जो लगेगा मेरा छोले के ऊपर। मैंने ये ना आज जो छोले बनाए हैं वो ढाबा स्टाइल बनाए हैं, तो बस मेरा तड़का रेडी है और ऊपर से मैंने अपने छोले के ऊपर डाल दिया है, तो छोले का फाइनल लुक निकल कर ये आया है। तो ये लीजिए, रेडी है हमारा ढाबा स्टाइल पंजाबी छोले मसाला। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पर गैस के ऊपर पतीला चढ़ा दिया है और उसमें तेल डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर सरसों डाली है, लहसुन के टुकड़े डाले हैं, और यहाँ पर देखिए लहसुन जब अच्छे से भून गया तो उसके बाद जीरा डाला है और बहुत सारी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1.5 चम्मच डाल दिया है यहाँ पर हल्दी पाउडर, और देखिए इसका कितना सुंदर लुक आया है।
आप बता सकते हैं क्या बन रहा है? शायद कई लोगों ने गेस कर भी लिया होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ अच्छे से स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि नमक अच्छे से मिल जाए तेल में। और आगे देखिए, यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। तो मैं इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हुए मैं आपको बताती हूँ, ये कढ़ी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मम्मी देखिए दही और बेसन को अच्छे से घोल देती है और उसके बाद तड़के में डाल देती है। कढ़ी मम्मी बना रही है और मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर देखिए, मम्मी बहुत सारा पानी डालती है क्योंकि कढ़ी हमें पतली पीना पसंद है। आगे आप देखेंगे, मैं पूड़ी का आटा लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, दो चम्मच भर के मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद नमक भी डाल दिया है। और अभी यहाँ पर देखिए तेल डाल दूंगी और उसके बाद आटे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। धीरे धीरे पानी डाल के मैं धीरे धीरे ही आटा गूंथूंगी, ज़्यादा पानी यूज नहीं करूंगी ताकि पूड़ियों का आटा है तो ये थोड़ा सा टाइट रहेगा। पर मैं सच बताऊँ, ये इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि मुझे दोनों हाथों से इसे मसलना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया, नहीं तो फिर हमारे तो बेलते बेलते हाथ ही टूट जाएंगे, इतना कड़ा हो गया था ये। मैंने कहा चलो ये तो अभी रख देंगे पूड़ी का आटा मार के, क्योंकि पूड़ियाँ तो गर्म ही बनेगी टाइम पर। और यहाँ पर देखिए, मेरी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है, पूड़ियों का आटा लगा दिया है, इसे मैंने गीले कपड़े से ढक दिया है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी, हम सब मिलके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, बच्चे कितने अच्छे से लाइन से बैठे हुए हैं और केक कटिंग का वेट कर रहे हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, बर्थडे बॉय की मम्मी ने हाथ में पूजा की थाल ले ली है और सभी यहाँ पर बच्चों की पिक्स निकालने में लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर आपने देखा, केक कटिंग हो चुका है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? असली मजा तो अभी होना बाकी है, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि अभी आने वाला है सुपर डुपर मजा। अभी होगा सबका डांस परफॉर्मेंस। Get some.
तो यहाँ पर बस अभी हमारा सबका डांस हो चुका है और हम आ गए हैं पूड़िया बनाने के लिए। और यहाँ पर अभी हम सारी पूड़िया बना लेंगे और रात के 11 बज चुके हैं, काफ़ी लेट तक हम लोग डांस करते रहे, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। अभी सब बच्चों को भूख लग रही है, मतलब हमें भी लग रही है, तो बस हम अभी खाना खा लेंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना रेडी है, आज का डिनर मैंने बनाया था क्योंकि बर्थडे बॉय की फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।